मैं हुंजा शायद दूसरी मतलब आया हूँ, 15-20 साल पहले शायद यहाँ आया था, और मुझे ये देखकर दो तीन चीज़ों के एतबार से बेइंतहा खुशी होती है। एक तो ये कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हिज हाइनेस हिज एक्सेलेंसी प्रिंस करीम आगा खान साहब का, कि उन्होंने बड़े होलसम अंदाज से, होलसम अंदाज का मतलब ये कि तालीम, सेहत, कल्चर, म्यूज़िक, औरतों की तालीम और औरतों के रोज़गार और औरतों की स्किल्स, ये माशरे के अंदर एक होलसम अंदाज होता है कि सारी चीज़ों को, किसी हिस्से को निगलेक्ट नहीं करें, सबको साथ लेकर चलें। तो हिज एक्सेलेंसी ने जो, हिज हाइनेस ने जो सारे पाकिस्तान के अंदर काम किया है, तो वो तारीफ के लायक इस वजह से भी है कि मैं अभी किसी से ये कह रहा था कि सबसे पहले मैंने हिज हाइनेस को देखा था जब मैं छोटा सा था, और अयूब खान के ज़माने में आगा खान हॉस्पिटल का हिज हाइनेस और अयूब खान मिलकर उसका संग बुनियाद रख रहे थे, तो मैं भी, मैंने बड़ा एडमायर किया जब से, वेरी हैंडसम यंग मैन हिज हाइनेस प्रिंस अब्दुल करीम आगा खान, और उसके बाद से मैं फॉलो करता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के डेवलपमेंट में आइकॉनिक काम किया है, आइकॉनिक उसको कहते हैं कि जो लीडरशिप का रोल, आइकॉनिक उसको कहते हैं जो किसी लीडर को लोग फॉलो करें, जैसे कोई मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक आइकॉनिक फिगर है, इस तरह से आगा खान साहब एक आइकॉनिक फिगर है जिसके अंदर अस्पतालों के एतबार से पाकिस्तान ने आगा खान अस्पताल को देखकर लोगों ने उससे सीखा, उस तरह के अस्पताल बनाए। फिर यहाँ पर मैं आकर देख कर गया था आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम को, और मैं बहुत दिनों तक अपने शहर के अंदर और पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस बात की तारीफ करता रहा कि ये कितना अच्छा प्रोग्राम है जो ऑल इंक्लूसिव रूरल सपोर्ट के एतबार से है। फिर जो चीज़ें देख कर गया था मुझे आज तक याद है, ये जो स्कूल बना है हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स, उसका आर्किटेक्चर, और मुझे आर्किटेक्चर से भी शौक है, उसका आर्किटेक्चर एक किस तरह से सूरज की रोशनी को अपने स्कूल के अंदर ले जाया गया। और आगा खान हिज हाइनेस मशहूर हैं इस बात में दुनिया में कि उनको भी आर्किटेक्चर से शौक है, और इसी वजह से ये जो प्रिजर्वेशन हुआ पुराने अपने हेरिटेज का, इसके अंदर उनका बहुत बड़ा लीडरशिप का रोल है। पूरी कम्युनिटी को इस काबिल बनाया, यानी लिटरेसी रेट जो हुंजा वैली का है, ये मेरी ख्वाहिश है कि बाकी पाकिस्तान के अंदर भी हो। और एक और मेरी ख्वाहिश है, इतनी सारी बहनें मेरी यहाँ मौजूद हैं, एक और मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह से होलसम अंदाज से औरतों की तालीम और औरतों के एम्प्लॉयमेंट के लिए और औरतों को माशरे में एम्पावर करने के लिए जो रोल इस कम्युनिटी ने और इस हाइनेस की लीडरशिप में किया, ये भी सारे पाकिस्तान के अंदर एक एग्जाम्पल है। तो आपको मालूम है कि इन चीज़ों को देखने के एतबार से मैं यहाँ पर एक और औरतों के बाद से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल मैं सारे पाकिस्तान के अंदर ये चाहता हूँ कि कुरान की एक आयत है सूरह निसा, और सूरह निसा के अंदर जिस तरह से विरासत का जिक्र है, मेरे ख्याल से कोई सूरत कुरान की इतनी बारीकी के साथ बयान नहीं करती है कि किसका कितना हिस्सा है विरासत। तो माशरे वही तरक्की करते हैं जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के अंदर जो उन्होंने फरमाया कि वो इस बात को जानते हुए कि शायद औरत के ऊपर जुल्म हो, तो उन्होंने कहा कि औरतों का ख्याल रखना, कुरान ने ये कहा कि इनके हुकूक देना। और मैं समझता हूँ ये कम्युनिटी इस बात की एग्जांपल है कि जिस तरह से माशरे के अंदर देखो बराबर बराबर औरत और मर्द मौजूद हैं, कोई कौम तरक्की नहीं करती जब तक औरतें साथ काम करने के काबिल ना हो, कोई कौम तरक्की नहीं करती जिसमें औरत को हुकूक ना मिले। तो मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप भी इस बात का ख्याल रखें तो कुरान की सूरत मौजूद है, और मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि वो इल्म भी सीखें, माशरे में जिस अंदाज से निकल रही हैं, वुड वर्किंग का भी मैंने यहाँ स्कूल देखा, जिस अंदाज से आप लोग निकल रही हैं, तो मेरी हुकूमत की और मेरी ख्वाहिश होगी
कि जैसे हर तबका एम्पावर हो, पाकिस्तान बनेगा जब सबको ताकत मिलेगी पाकिस्तान, और इसमें कोई कसर नहीं है। इतनी खूबसूरत वैली मैं समझता हूँ दुनिया भर में मुझे कहीं ऐसी चीजें नजर नहीं आई जितनी यहाँ पर। और इसके अंदर जैसे जैसे ये टूरिज्म बढ़ेगा, ये भी एक इंडस्ट्री है, जैसे जैसे ये टूरिज्म बढ़ेगा इंशाल्लाह, जैसे जब ये यहाँ से काराकोरम हाईवे गुजरी तो इस आबादी के अंदर बहुत फर्क पड़ा होगा, इसकी रोजगार के अंदर, इसकी तरक्की के अंदर। इसी तरह से टूरिज्म के लिए जब खुलेगा उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी थी, एक तो ये कि पाकिस्तान सिक्योर हो जाए, तो अल्लाह का फजल है पाकिस्तान सिक्योर हो गया। दूसरी बात ये कि पाकिस्तानियों के अंदर एक यगानगत हो और एक जुड़ कर रहे, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ ना करें। ये भी माशाल्लाह यहाँ पर 5-6 साल से जो अमन है ये इस बात का पेशकीमा है कि यहाँ पर देर चार तरक्की होगी। तीसरी बात, जब टूरिज्म आएगा तो बहुत सारे रोजगार होंगे, मगर टूरिज्म के अंदर मैं इंशाल्लाह मैंने नियत की दी है कि जाकर हिज एक्सेलेंसी का भी शुक्रिया अदा करूंगा, नॉर्वेजियन एम्बेसी का भी और नॉर्वे का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिसने अल्पित फोर्स और अल्पित के अंदर बहुत सारे और पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारे हेरिटेज को प्रिजर्व करने के अंदर मेहनत की। तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि डेवलपमेंट यहाँ पर हो तो अपने कल्चर को खैरबाद ना करें। देखो कितना खूबसूरत पुराना, हजारों साल पुरानी आबादियों को प्रिजर्व करके हम उन पर फख्र करते हैं, हम आप पर फख्र करते हैं कि आप ऐसी जगह पर इसको प्रिजर्व करना है। देखो लोग बदलते चले जाते हैं, है ना, अभी आज जिंदा है कल मर जाएंगे, मगर ये चीज़ें जो है आने वाली नस्लें इनको देख देख कर खुश होती रहेगी कि आपने भी इसके अंदर हाथ बटाया। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि अगर इस तरह से हालात अच्छे होते चले गए और कोशिशें जारी रहीं और इस हुकूमत की कोशिशें जारी रहीं तो पाकिस्तान इतना खूबसूरत, इतना ताकतवर और इतना अच्छा मुल्क बन रहा है जिसका हमें और आपको तसव्वुर नहीं था। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि उन खुशखबरियों के लिए तैयार हो जाओ जो ये पाकिस्तान बनने वाला है। सलाम अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बहुत बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम, आपने जो बातें हमें बताई कल्चर के हवाले से, वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, इंशाल्लाह हम उस पर अमल करेंगे।